नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं बादी वाली बवासीर का घरेलू उपचार कैसे करें। बादी वाली बवासीर में रक्त नहीं आता है, यह मस्से फूलने से होती है। मूली, कच्ची मूली खाने से बवासीर से गिरने वाला रक्त बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त बवासीर खूनी हो या बिना रक्त गिरने वाली, एक कप मूली का रस लें, इसमें एक चम्मच देसी घी मिलाएं और हिलाकर सुबह शाम दो बार नित्य पिएं। बवासीर में बहुत लाभ होगा। एक सफेद मूली को काटकर नमक लगाकर रात को ओस में रख दें। इसे प्रातः भूखे पेट खाएं। मल त्याग के बाद गुदा भी मूली के पानी से धोएं। 125 ग्राम मूली के रस में 100 ग्राम देसी घी की जलेबी एक घंटा भिगो दें, फिर जलेबी खाकर रस पी जाएं। इस प्रकार एक सप्ताह सेवन करने से जीवन भर के लिए हर प्रकार के बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। मूली के टुकड़ों को घी में तलकर चीनी के साथ खाएं, इससे भी बवासीर में बहुत लाभ मिलेगा। लौकी, बवासीर होने पर लौकी के पत्तों को पीसकर उनका लेप लगाने से कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक हो जाती है। ग्वार, ग्वार के पौधे के 11 हरे पत्ते, 11 काली मिर्च 62 ग्राम पानी में मिलाकर पीस लें और प्रातः एक बार एक दिन पीने से बादी वाली बवासीर ठीक हो जाती है। गेहूं, गेहूं के पौधों का रस पीने से हर प्रकार की बवासीर के मस्सों में आराम मिलता है। तिल, 60 ग्राम काले तिल खाकर ऊपर से ठंडा पानी पीने से बिना रक्त वाले मस्से दबकर ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से तिल का तेल प्रयोग करने से भी मस्सों में बहुत लाभ मिलता है। आम, मीठा आम रस आधा कप, मीठी दही 25 ग्राम और एक चम्मच अदरक का रस सब साथ मिलाकर पिएं। ऐसी एक मात्रा नित्य तीन बार करके पिएं, इससे बवासीर ठीक हो जाती है। अमरूद, कुछ दिनों तक अमरूद खाते रहने से भी बवासीर ठीक हो जाती है। प्याज, प्याज खाने से भी खूनी और बादी वाली बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। बवासीर के रोगी को नित्य एक कच्ची प्याज अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें।